कल एक मैसेज आया कि जी कोई फला कोई फला कोई अपनी ब्रेड की फैक्ट्री है उसके कोई कोरोना वाला पेशेंट हो सकता है, कोई वर्कर कोरोना के नाल, इस करके एक समाज के दहशत का माहौल पैदा हो जाता है। जो उसकी असी वेरीफिकेशन की पता लगे कि वो न्यूज़ बिल्कुल ही फेक है। कोरोना वायरस के चलदे पूरे पंजाब विच करफ्यू लग्या होया है, पर बहुत सारे लोग अजिहे ने जो सरकार दीआं हिदायतां नूं छिक्के टंगदे होए करफ्यू का उलंघन करदे आ घरों बाहर निकलते हैं। अगर लुधियाणा की गल की जाए तो लुधियाणा विच पुलिस कमिश्नर ने साफ लफ्जां विच कहा कि कोई भी अफवाहों उत्ते भरोसा ना करे। अते हुण तक अगर लुधियाणा की गल की जाए तो लुधियाणा दे विच करफ्यू तोड़न वाले 13,000 लोगों उत्ते उलंघना करन दे चलदियां ओपन जेल भेजा गया है। 344 मामले भी दर्ज किए गए ने। कोरोना के दौरान जो करफ्यू चल रहा है लुधियाने के विच, इहदे विच सानू ये नोटिस दे विच आ रहा है कि काफ़ी बारी लोग फेक जिहड़ी वट्सएप मैसेज हैं उन्होंने सर्कुलेट कर देते हैं, या फेक जिहड़ी अपनी फेसबुक पोस्ट होंदिया हैं उन्होंने बिना वेरीफाई किए वो अगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ये करके एक तो पैनिक जोड़ा है वो सोसायटी के बढ़ता है। ये मेरी सारे लोगों को ये अपील है कि जिहड़ा भी कोई तुहानू मैसेज है वट्सएप पर आ रहा हो या किसी और सोशल मीडिया से आ रहा हो, तुहानू लग रहा है कि ये फेक हो सकता है, पता लग जाता है मैसेज का, उसनू तुसी फॉरवर्ड ना करो। जे तुहानू उसकी ऑथेंटिसिटी पता करनी है तुसी अपना पुलिस का कंट्रोल रूम नंबर है 112 उस नंबर पर तुसी डायल करो, वो तुहाडी रिकॉर्ड वो सारा कुछ तुहाडे तो पुछणगे एंड उस तो बाद वो पुलिस तुहानू कॉन्टैक्ट करेगी, उसकी वेरीफिकेशन करांगे असी न्यूज़ की एंड जे वो न्यूज़ कोई भी जिस हिसाब नाल कार्रवाई करनी होगी पुलिस नू वो कार्रवाई करेगी। हुण जिदा कल एक मैसेज आया कि जी कोई फला कोई अपनी ब्रैड की फैक्ट्री है उसके कोई कोरोना वाला पेशेंट हो सकता है, कोई वर्कर कोरोना के नाल, इस करके एक समाज के दहशत का माहौल पैदा हो जाता है। जदों उसकी असी वेरीफिकेशन की पता लग्या कि वो न्यूज़ बिल्कुल ही फेक है, वैसे ही किसी ने वट्सएप पर किसी नूं वैसे ही बदनाम करने की खातिर वो न्यूज़ चलाई सी। इस करके इन्ना फेक न्यूज़ का अपना आपां नूं गुरेज करना चाहिए इन्हां नूं फॉरवर्ड करन तो पहला एंड फेक न्यूज़ करके असी लुधियाने दे विच हुण तक 6 FIR दर्ज कर चुके हैं एंड अदरवाइज़ करफ्यू की वायोलेशन की जे गल करिए 344 FIR हुण तक लुधियाने दे विच दर्ज हुई हैं, जिहदे विच कि 606 बंदे असी अरैसट किए हैं। इस तों अलावा तकरीबन 13,000 के करीब जिहड़े करफ्यू वायोलेटर्स हैं उन्होंने असी ओपन जेल के भेजा है, जिन्होंने कि फिर वेरीफिकेशन तो बाद माफ़ी मंगवा के उन्होंने छड़िया सी। ते पुलिस अपना काम कर रही है लेकिन असी नहीं चाहते कि कोई जनता के उपर सख्ताई की जाए, पब्लिक का फर्ज है क्योंकि ये जो करफ्यू है यह सोशल करफ्यू है, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का करफ्यू नहीं है, ये उन्हां दी अपनी भलाई लई है कि वह अपने घर के रहन, जदों भी कोई उन्होंने कोई सामान की लोड़ पैंदी है वो ऑनलाइन ऑर्डर करके फोन पर करके अपने घर के मंगवाण, सरकार ने उसकी अपनी अरेंजमेंट उसका अरेंजमेंट किया होया है। एंड जिहड़ी कोई कोई सोशल मीडिया क्योंकि पब्लिक हुण घर के होण करके थोड़ी जी फ्री भी हो गई है, वो सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ कर रही है एंड कई बार वो बिना वेरीफाई किए चीज़ में फॉरवर्ड कर देंगे, ये नहीं रियलाइज़ करते कि उसका किन्ना क इंपैक्ट किसी दूजे की लाइफ से पै सकता है। इस चीज़ तो गुरेज करन ते मैनू पूर्ण उम्मीद है कि आप इस कोरोना की जी जंग है पब्लिक के सहयोग नाल इसनों असी छेती ही जित लेना है। थोड़ी जी दिन की गल और रह गई है, थोड़ा जहा संयम रखन ते पुलिस प्रशासन का साथ देन। गुरबाणी अखंड बाणी वास्ते लुधियाणा तो विपिन मेहरा नाल प्रदीप भंडारी की रिपोर्ट। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पंजाब अते पंजाबियत नाल जुड़ी हर गतिविधि, सत्ता अते सियासत दी हर खबर वास्ते हुणे सबस्क्राइब करो गुरबाणी अखंड बाणी ते नोटिफिकेशन वास्ते बैल नूं रिंग।